Next question. Question says displacement of a particle moving in a straight line is given by s is equal to 2t square plus 2t plus 4, where s is in meter, t is in second. सवाल है acceleration of the particle क्या होगा? Now बहुत ही simple सवाल है. आपने को displacement s जो है वो दे रखा है 2t square plus 2t plus 4. हमें बताना है acceleration कितना होगा. Acceleration के लिए इसको आप दो बार differentiate करेंगे. एक्सेलेशन हमें पता है डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर होता है, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ऑलराइट इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये होएगा. तो जब इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं, वो आएगा 4t प्लस 2. एक्सेलेशन दोबारा डिफ्रेंशिएट करके 4 आ जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर.